मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया आँख न जाने दिल पहचाने आँख न जाने दिल पहचाने सूरतिया कुछ ऐसी आँख न जाने दिल पहचाने सूरतिया कुछ ऐसी याद करूं तो याद ना आए मूर्तियाँ ये कैसी पागल मनुवा सोच में डूबा सपनों का संसार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया। संगीत एक महान शास्त्र है और इस शास्त्र की कुछ और जानकारी हम भी ले लेते हैं। आज का राग है राग रागेश्री और इसी राग पर हमें मार्गदर्शन करेंगे संगीत तज्ञ श्रीमान श्रीकांत जी पारगांवकर। सर, इस सुरेली सभा में आपका तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। चर्चा के लिए आज जो राग सामने है सर, वो है राग रागेश्री। जी, इसी राग के जो आरोह और अवरोह है उन्हीं के बारे में आप हमें जरूर बताइएगा। जी, जरूर बताऊंगा। ये राग जिसको रागेश्वरी भी कहते हैं जी, और रागेश्री भी आज का जो प्रचलित नाम है उसको रागेश्री कहते हैं। ये काफी बागेश्वरी राग से मिलता जुलता राग है। जैसे बागेश्वरी में कोमल गंधार का प्रयोग किया जाता है, इसमें शुद्ध गंधार का प्रयोग किया जाता है। अच्छा। और पहले वाले जमाने में जिसमें दो निषाद का भी प्रयोग होता है जी। लेकिन आज रागेश्वरी का जो स्वरूप हम सुनते आए हैं उसमें सिर्फ कोमल निषाद का प्रयोग ज्यादातर हुआ। अच्छा। और इसकी एक मिसाल आपको मैं दूं जी। तो आपने मुगला आजम तो देखी होगी, तो उसमें खान साहब बड़े गोला में खान साहब ने एक रागेश्री छेड़ा है। अच्छा, अच्छा। जबकि दिलीप कुमार साहब वो अच्छा। दरबार में पेश होते हैं उस वक्त पीछे बैकग्राउंड में बड़े गोला मलिक खान साहब ने रागेश्री की सुरावट छेड़ी हुई है जी। इसके आरोह और अवरोह कुछ इस प्रकार हैं। सा ग म ध नि द सा नि द म ग म रे जो राग का दर्शन हमें दिखाता है उसे कहते हैं राग की पकड़ जी। उसे भी आप हमें समझाइएगा। जरूर। राग के वादी और संवादी सुर जो प्रधान सुर होते हैं, आधारभूत सुर होते हैं, वो क्या है राग रागेश्वरी के? इस राग में गंधार और निषाद इसको वादी संवादी ज्यादातर से जी प्रयोग करते हैं। हर एक राग की जो राग गाने की बेला है वो निर्धारित की जा चुकी है शास्त्रकारों ने। राग रागेश्वरी का समय कौन सा है? राग रागेश्वरी ज्यादातर रात्रि के दूसरे प्रहर में जी और तीसरे प्रहर में ज्यादातर गाए जाते हैं। अच्छा। इसमें एक कोमलता है जी और
शुद्ध गंधार का प्रयोग होते हुए भी बागेश्री का जो कोमल गंधार है जी, इससे ये थोड़ा हट के शुद्ध गंधार का ज्यादातर प्रयोग सिर्फ शुद्ध गंधार और पंचम नहीं है। अगर हम सुनेंगे तो बागेश्री में अल्प सा पंचम का प्रयोग किया जाता है जी, जी। लेकिन इसमें पंचम बिल्कुल वर्जित है जी। और इस तरह से इस राग की बढ़त होती है। अच्छा, तो अभी आपने जो हमें जानकारी दी इसी का दर्शन दिखाती हुई एक बंदिश आपसे सुनना जरूर पसंद करेंगे। जरूर, ये बंदिश मेरे घराने के जो भेंडी बाजार नाम से प्रचलित है जी, जी। और उसमें खान साहब अमान अली खान साहब ने ये बंदिश की रचना की है। अच्छा, सकल विराज हर ता चहुँ दे
सागम द मद नि स नि नि द द म म ग ग नि द म द म ग र स जमुना 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 के द्वारा श्याम बारो श्याम बारो श्याम बारो बारो श्याम बारो श्याम बारो श्याम बारो श्याम बारो श्याम बारो श्याम जमुना अभी आपने कहा कि इसमें काफ़ी नज़ाकत है, शायद इसी वजह से हमारे सुगम संगीतकारों ने, ख़ास तौर पे फिल्मी संगीतकारों ने और गज़ल जिन्होंने बनाए गज़लकारों ने, इन्होंने इस राग का या इस स्वर समूह का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया हुआ है। जैसे अभी आपने शुरुआत में जो बड़ा ही खूबसूरत गीत पेश किया था, मदन मोहन साहब का और एक गाना मुझे इस वक्त रागेश्री का याद आ रहा है जी, ये दीदी ने गाया हुआ था। हाँ जी, मानना हाय बलम पर परदेसिया, मोरे मन की न जाने हो न जाने, मानना बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मानना हाय बलम परदेसिया, मोरे मन की न जाने हो न जाने, माने ना माने ना। मदन मोहन साहब और मधुरता जी जी, इसका इतना अच्छा संयोग है, उसे हम ऐसे अलग कर ही नहीं सकते। और मदन मोहन साहब की खासियत एक और भी थी कि जिसने सारंगी और सितार इन दोनों वाद्यों का बहुत ही अच्छी तरह से इसमें अपने गानों में इस्तेमाल किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि काफी गानों में उन्होंने सितार और सारंगी का बहुत बहुत खूबसूरत काफी प्रयोग किया हुआ है। वो वैसे आपसे ही मैंने तलत साहब का गाना सुना था जिसके सुर कुछ कुछ रागेश्री से मिलते जुलते मुझे याद आ रहे, वो गीत था ना देख ली तेरी खुदा जी, वो जयदेव साहब ने बनाई हुई रचना है, चलिए जरूर पसंद करेंगे। देख ली तेरी खुदाई, देख ली तेरी खुदाई, बस मेरा दिल भर गया, देख ली तेरी खुदाई, तेरी रहमत चुप रही, तेरी ये बात है। रहमत चुप रही, मैं रोते रोते मर गया, देख ली तेरी खुदाई, मेरे मालिक क्या कहूँ तेरी दुआओं का फरेब, मेरी मालिक क्या कहूँ तेरी दुआओं का फरेब, मुझ पे यूं छाया के मुझको, मुझ पे यूं छाया के मुझको, घर से बेघर कर गया, देख ली तेरी खुदाई, बस मेरा दिल भर गया, देख ली तेरी खुदाई। क्या बात है। इसमें आपने एक बात देखी कि जब किसी राग का सुगम संगीत या भाव संगीत में प्रयोग किया जाता है तो उसमें थोड़ा सा एक अपनापन संगीतकार उसमें जरूर अपना कोई इस्तेमाल करता है, तो उसमें एक विवादी सुर
जो उस राग में शुद्ध स्वरूप में शास्त्रीय दृष्टिकोण से तो विवादी है, लेकिन उस गाने का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य उस राग उस स्वर के प्रयोग से कुछ बढ़ता है, निखरता है। तो इसमें पंचम का जो प्रयोग है, जिसमें अगर रागेश में तो पंचम नहीं है, वर्ज है, लेकिन फिर भी उसमें पंचम का प्रयोग किया हुआ है। और आपने देखा कि इस गीत में वो कितना मुखर आया है। वैसे शंकर जी किशन का ये भी मुझे याद आ रहा है, नैन मिले चैन कहा दिल है वही तू है जा, ये क्या किया सैया सावरे, ओ तूने ये क्या किया सैया सावरे। बन रहा जी, वैसे मेहदी हसन साहब की गजल भी इसमें शायद है, गुलशन गुलशन शोलाए गुल की जुल्फ सबा की बात चली। इसका एक शेर बड़ा ही खूबसूरत है। हाँ जी, एक हुआ दीवाना एक ने सर तेशे से फोड़ लिया, सर तेशे से फोड़ लिया, कैसे कैसे लोग थे जिनसे रस में वफा की बात चली। वो तो कहते हैं ना, मजनू मजनू दीवाना हो गया, पागल हो गया जी। और फरहाद जो था उसने कुल्हाड़ी से अपने अपना सर फोड़ लिया था। हाँ, हाँ। तो ये जिक्र किया है कि एक हुआ दीवाना एक ने सर तेशे से फोड़ लिया जी, कैसे कैसे लोग थे जिनसे रस में वफा की बात जी। क्या बात है, बहुत अच्छा। कितनी बखूबी रागेश्वरी राग का इसमें इस्तेमाल किया गया हुआ है। सर, शास्त्रीय संगीत का जब हम विचार करते हैं तो लय विचार प्राधान्य से सामने आता है, तो लय के बारे में आप हमें जरूर बताइएगा। लय के बारे में क्या बताऊं, शास्त्रीय संगीतकारों ने लय की तीन कल्पनाएं की हैं जी, विलंबित मध्य और द्रुत लय जी। जैसे हमारी जिंदगी भी कुछ लय से और धड़कन से जुड़ी हुई है, हम लय लेके ही आते हैं, धड़कन जो है वो लय से ही संबंधित है जी। और उस लय का और हमारे भावनाओं का अटूट संबंध इस रचना में से और किसी भी रचना से जुड़ा हुआ है, तो इस संबंध को लेते हुए मुझे लगता है कि लय का विचार करना चाहिए जी। और इस तरीके से हमने जो एक बंदिश सुनाई जी, जो मध्य लय में थी, और एक बंदिश अभी हम श्रृंगेरी में भी सुनाएंगे जो थोड़ा सा द्रुत की तरफ जाती हुई है, और श्रृंगेरी राग का जो अभी हम विवेचन कर रहे हैं तो उसमें एक बंदिश ऐसी है जिसमें एक विवादी सुर का भी प्रयोग किया हुआ है, अच्छा। पंचम का। और हमने जो अभी ये गाना एक सुना, देख ली तेरी खुदाई। हाँ हाँ। और इस तरीके से मुझे लगता है कि जब सुगम संगीत में एक अपनापन संगीतकार उसमें इस्तेमाल करता है कि जो सुर वैसे शुद्ध राग के तरीके से तो नहीं इस्तेमाल किया जाता, लेकिन उस गीत का सौंदर्य बढ़ाने के लिए किसी एक सुर का अगर प्रयोग किया जाए तो उसको वो माफ़ कर देते हैं, और उस गीत को ज़्यादातर लोग इसी तरीके से ध्यान में रखते हो और सुनते हैं। आम आदमी को तो उस सुर का इस्तेमाल किया है या नहीं ऐसे एकदम तो हम ध्यान में नहीं आता, लेकिन उसका सौंदर्य उस सुर के प्रयोग से बहुत बढ़ता है जी। जी, हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाता है जी। और अभी आपने जो लय के बारे में हमें बताया था, तो आप इस एपिसोड का समापन करते हुए हमें क्या सुनाना पसंद करेंगे? अभी लय की ही बात चली है तो हम एक द्रुत तीन ताल में एक बंदिश आपको सुना देते हैं जो रागेश्वरी में ही संबंधित है जी, और वो पारंपरिक रचना है जी, जो आपके सामने जी पेश सुनते हैं। बसंत बहरिया आए, बसंत बहरिया फूली चमेली बेलरिया, बन बन बोलत कोयलिया
पातवा मगे नए नए पातवा अरे हारे मोहर बनवा नाचत मुरवा सुंदरवा बन बन बोलत कोई।